लेते हैं। ये एक आर्टिकल है, क्योंकि बुक में आपके ना फ्लैक्स बॉक्स का जिक्र नहीं है। उस वक्त फ्लैक्स बॉक्स आया नहीं था असल में 2009 में, ये बाद में आया था। तो इसका ज़रा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि ये बैकग्राउंड क्या बता रहा है फ्लैक्स बॉक्स का। द फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल एज ऑफ अक्टूबर 2017 एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशेंट वे टू ले आउट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर इवन वेन देयर साइजेज इज अननोन और डायनेमिक। थस वर्ड फ्लैक्स, फ्लैक्सीबल नाम इसका इसीलिए रखा गया है कि फ्लैक्सीबिलिटी की वजह से। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है ना मेरा भाई, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि लेआउट किस चीज़ को कहते हैं। वही होता है ना, मुश्किल वर्ड्स होते हैं बीच में जिसकी वजह से ऊपर से निकल जाती है बात। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करेंगे। सही है, और कोई ओपिनियन नहीं है आपका, गलत सही नहीं है इसमें। तो लेआउट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट लेआउट होता है एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में। हाँ, लेआउट सही। इसने कहा कि लेआउट जो डिज़ाइन का ही पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि लेआउट से बहुत सारी फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे होते हैं। तो एक अखबार का लेआउट क्या होता है, एक अखबार का लेआउट ऑब्वियसली ये होता है कि ऊपर एक तो उसकी सुर्खी होती है, इसको हेडिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइन, बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ होता है कि भाई आज की ताज़ा खबर पता नहीं क्या। वो होता ही है हर अखबार में, है ना, वो होता ही है। अच्छा, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो सबसे जो हॉट टॉपिक होता है आज के दिन का, उसको वो हेडलाइन बनाते हैं ताकि अखबार जब शेल्फ में रखा हुआ ना, दूर से ही वो खबर पढ़ ले बंदा। और वो लाइन ऐसे लिखते हैं ना कि उसको पढ़ के तजस्सुस हो बंदे को, और वो चाहे यार इसकी डिटेल भी पढ़ ही लूँ मैं हाथ के हाथ। और वो डिटेल देते हैं इतने अंदर के पेज पे कि खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते आप, लेवल चेक कर रहे हो। सही है, वो इतने अंदर के पेज पे होता है। तो ये जो इन्होंने लेआउट के ज़रिए क्या फंक्शनैलिटी अचीव की है कि खरीद ले बंदा बस। अच्छा, फिर बस पे जो एक बार बेचने के लिए चढ़ता है वो भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है, वो भी दो चार खबरें ऐसी पढ़ लेता है कि भाई फला वज़ीर आज़म की बीवी ने शॉपिंग करते हुए क्या बोला, और ऐसे करके, और चार पांच उसने याद किए हुए होते हैं, पता नहीं आप लोगों ने वो देखा या नहीं देखा, बसों में चढ़ते हैं तो तो वो उसने याद किए हुए होते हैं, तो वो भी एक सनसनी फैलाता हुआ जाता है बस के अंदर। बंदा बोलता है अरे पता नहीं क्या हो गया, डॉलर का रेट कहाँ पहुँच गया, आसमान को छू लिया, और पता नहीं अजीब सा इसने ना एक मस्खरे स्टाइल से बोलता हुआ जा रहा होता है ताकि बंदे ख़रीद लें उसका। वेल, तो लेआउट क्या होता है, किसी भी रूम का लेआउट, किसी भी डॉक्यूमेंट का लेआउट। आपको याद होगा बचपन में आपको लिखना सिखाया था लेटर और एप्लीकेशन, चीज़ तो दोनों एक है लेकिन फ़र्क क्या होता है, दोनों के लेआउट में फ़र्क होता है। लेटर के अंदर आप जो शुरू में उस बंदे का एड्रेस वेड्रेस लिखते हैं शायद, ठीक है, और फिर उसके बाद सलाम वलाम लिखते हैं, आगे शुरू करते हैं। ऑन अदर एंड एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और उस इदारे का नाम लिखते हैं जिस इदारे के आप हेड के लिख रहे होते हैं, हेड के लिए वो, ठीक है, फिर अपना सब्जेक्ट के नीचे, क्योंकि भाई बिजी होगा वो बंदा जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट ही पढ़ ले समझ आ जाए उसको कि क्या कहानी है। मिसाल के तौर पर किसी जगह में गटर का प्रॉब्लम चल रहा है तो म्यूनसिपल के पास गटर की 1000 एप्लीकेशन पहुँच सकती है, तो वो जब देखे ना शुरू में सब्जेक्ट में कि भाई गटर लाइन, तो उसको पता है वो मसला ऑलरेडी, तो वो देखे अच्छा गटर लाइन का ही मसला है तो समझ जाए बस, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उसको। ये फंक्शनैलिटी है, लेआउट के ज़रिए अचीव की जाती है। फिर लास्ट में आप अपना नाम लिखते हैं, अपना कुछ अपने बारे में लिख देते हैं कि भाई आपको अगर रिस्पॉन्स बैक करना हो, एप्लीकेंट की जो डिटेल होती है वो थोड़ी बहुत लिख देते हैं। तो लेआउट इज़ लाइक दैट। एक वेबसाइट की लेआउट क्या चीज़ होती है, एक वेबसाइट का लेआउट क्या होता है, कोई बता पाएगा। हमेशा एक वेबसाइट के टॉप पे कहीं ना कहीं आपको एक नेविगेशन बार दिखता है जिससे आप मुख्तलिफ पेजेस पे उसी वेबसाइट की डिफरेंट पेजेस पे आप नेविगेट कर पाते हैं, है ना, ज़रूरी है, इसके बगैर तो नहीं हो सकता काम। समटाइम आपको साइड में भी दिखता है लेकिन दैट इज़ अनकन्वेंशनल है,
कन्वेंशनल यही है कि टॉप पे मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ वेबसाइट के साइड पे भी होता है कि ऐसे वर्टिकल नेविगेशन बार होता है समटाइम, ठीक है। समटाइम नेविगेशन बार होता ही नहीं है, जस्ट आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो आपको डिफरेंट सेक्शन पे गो थ्रू करवाता है। लेकिन एक कन्वेंशनल लेआउट जो है वो क्या है कि टॉप पे नेविगेशन बार होगा। उसके अलावा एक कॉर्नर पे टॉप पे ही, या तो लेफ्ट पे या तो राइट पे टॉप पे एक लोगो होगा, ये एक लेआउट का पार्ट है, ये होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके जो नीचे का कंटेंट है उसके बिल्कुल बॉटम पे एक फुटर लगा हुआ होता है जिसमें फुट नोट्स लिखे हुए होते हैं कि भाई कॉपीराइट इस पे हुआ हुआ है इस वेबसाइट पे, और वेबसाइट का कंपनी का नाम एक आध लिखा होता है, ठीक है। जो वो चाहते हैं कि हर पेज के लास्ट, अगर कोई भी इस पेज को प्रिंट करता है तो लास्ट में वो पट्टी भी प्रिंट हो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो फिर दरमियान का हिस्सा है, दरमियान के हिस्से में अगर एक ब्लॉग पोस्ट है या एक फेसबुक जैसी कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट है तो उसके पोस्ट का भी एक लेआउट है भाई। दरमियान में जो कंटेंट स्क्रॉलेबल कंटेंट है उसका भी एक लेआउट है। अच्छा, फेसबुक की एक पोस्ट का अगर हम लेआउट की बात करें तो एक डब्बा होता है, चकोर डब्बा या रेक्टेंगल डब्बा, उसमें एक गोल सा प्रोफाइल पिक्चर होता है, प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल साथ नाम लिखा होता है और डेट लिखी होती है, और उसके नीचे फिर टेक्स्ट होता है, और उसके नीचे फिर अगर फोटो है तो वो होती है या वीडियो है तो वो होती है, फिर उसके नीचे जो तीन बटन होते हैं लाइन से, लेआउट है ना ये एक, ठीक है, एक फिक्स लेआउट है ये। ये लेआउट आपको CSS से बनाना है ना, CSS से आपको बनाना है ये लेआउट। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है, कह रहे थे फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल, ये लेआउट मॉड्यूल है, लेआउट बनाने के काम आता है, इसको इसीलिए बनाया गया है। एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर, ठीक है। हम हाथ के हाथ जो है ना लेआउट वेबसाइट लेआउट की ज़रा एक शक्ल भी देख लेते हैं कि, ठीक है, ये एक लेआउट बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला फॉलो करें, आपका लेआउट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ लेआउट, ठीक है। इस वेबसाइट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगो है, नेविगेशन बार है, बीच में एक इसने वाल लगाया हुआ है, लैंडिंग पेज है काइंड ऑफ ये, ठीक है। ये पूरे पेज का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। लास्ट में क्विक लिंक्स हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, लास्ट में फूटर लगा हुआ है बारीक सा बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस का लेआउट डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला जो पेज है ये इसने कोई प्रोडक्ट की डिटेल ओपन की है, तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट की बड़ी फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पे चार मज़ीद फ़ोटोज़ दिख रही हैं कि किसी पे भी क्लिक करो तो वो दिख जाएगी, या चार वेरिएंट उसके दिख रहे हैं उस प्रोडक्ट के, उसका टाइटल दिख रहा है, उसके साथ में पैसे दिख रहे हैं, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन दिख रही है, और कुछ शायद किसी ने कॉमेंट किया हुआ है, ये रिव्यूज़ दिए हुए हैं वो शायद दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दिख रहा है, कुछ टेक्स्ट डेटा यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये एक लेआउट है। अच्छा, डिफरेंट पेजेस का लेआउट डिफरेंट हो सकता है, ये भी हमें पता चल गया। ये इसका शायद होम पेज है या लैंडिंग पेज है, जो पहला पेज खुलता है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है daraz.pk, और यहाँ पे एक बड़ा सा एक लिखा हुआ है कि भाई 11/11 की सेल लगी हुई है, और यहाँ पे नीचे तीन प्रोडक्ट्स आ रही हैं, स्क्रॉल करेंगे तो वो तीन तीन करके फिर तीन तीन की बहुत सारी रो है उसके अंदर। यहाँ पे सर्च बार वगैरह शायद बना हुआ है, या आपका नाम लिखा हुआ है कि आप लॉगिन हो, इंजमाम मलिक लॉगिन है, इस तरह का। तो डिफरेंट पेजेस का जो लेआउट है वो डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही लेआउट बना लिया पूरी वेबसाइट उस पर चलेगी, लेआउट आपके हर पेज का डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। अच्छा, लगे आता हूँ, आप ये भी चीज़ एक समझ लो कि ये जो चीज है ना इसको हम क्या कहते हैं, जो डिजाइन आपको बनाकर देगा डिजाइनर, आइडियल केस में, ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि डिजाइनर रखा हुआ सामने वाले बंदे ने, लेकिन आइडियल केस में होना चाहिए जो असूलन, उसमें डिजाइनर आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट बना के देगा या प्रोटोटाइप बना के देगा। लेकिन उससे पहले, मिसाल के तौर पर एक बिजनेस ऑनर है, जब वो डिज़ाइनर को हायर करेगा और उनकी पहली मीटिंग होगी जब, तो पहली मीटिंग में ना ये चीज़ बनती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वायर फ्रेम, क्या कहते हैं इसको, हम वायर फ्रेम कहते हैं। अच्छा, ये वायर फ्रेम ज़रूरी नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर पे बनी हुई हो, वो पेन पेंसिल पकड़ के वहीं पे ना पेपर पे बनाते हैं कि अच्छा यार ये स्क्रीन होगी ऐसे करके होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहली स्क्रीन पर जो है ना यहाँ पर बड़ी सी ऐसे पिक्चर होगी एक, अब उसका कलर क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, गोल चकोर कैसा होना चाहिए, वो सब फिर डिज़ाइन, वो बाद की कहानी है। पहला जो डिस्कशन होती है ना वो ये होती है। अच्छा, तो सम टाइम क्या होता है कि ये आपको ना मिल जाता है,
मिसाल के तौर पे आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, अगर आपने सर्वर भी आप ही ने लिखना है, डेटाबेस भी आप ही ने लिखना है, फ्रंट एंड भी आपने ही बनाना है, तो आपको क्या होता है ये वायर फ्रेम दे देते हैं वो। उससे होता ये है कि आप फंक्शनैलिटी पूरी कर लो, आपको पता होता है कि अच्छा यहाँ पे सर्च बार एक होना है, आप फंक्शनैलिटी अपनी पूरी कर ले तो वंस फिर वो अपना डिज़ाइन पूरा करता रहता है, फिर आपको लास्ट में जब कलर वलर हर चीज़ के साथ देते हैं ना, तो आप उस पर CSS अप्लाई कर देते हैं, तो बगैर CSS के पूरी ऐप बनाना शुरू कर देते हैं, वायर फ्रेम मिल जाता है अगर आपको। तो ये वायर फ्रेम होता है, उसके बाद डिज़ाइन जो आपको मिलेगा ना वो कुछ इस तरह का मिलेगा, फिर कलरफुल होगा ऑब्वियसली वो, सही है। अब डिज़ाइन की एक दो एग्जांपल मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, फिग्मा विग्मा की जो, तो इस तरह से आपको फिर मिलेगा, फिर उसमें एक एक चीज़ का पिक्सल परफेक्ट आपको साइज़ मिलेगा, कुछ अगर आइकन्स ऐसे हैं जो उसने ऐड किए अपनी मर्ज़ी से तो वो आइकन्स भी आपको देगा अलग से, वो कलर्स वलर सारी चीज़ें आप उसमें से उठाते होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम देख रहे थे इसको हम लेआउट बोल रहे हैं, लेकिन डिज़ाइनर्स की ज़ुबान में ये वायर फ्रेम है। अच्छा, तो अब समझ आना शुरू हो रही है डेफिनेशन कि ये क्या मंजन है, क्या फ्लैक्स बॉक्स का। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स को बाय द वे CSS का पार्ट बहुत बाद में बनाया गया था, ये मतलब रिसेंटली साइज इसको ऐड किया गया है, इसमें 2017 में ऐड किया गया, राइट, इन्होंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर। ये 2014-13 में या 2015 में भी मौजूद था अराउंड, लेकिन इसको हम एज अ लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, ये CSS का पार्ट नहीं था, ठीक है। CSS का पार्ट इसको 2017 में बनाया गया। अच्छा, अब इसने ये जो बात लिखी है ना यहाँ पे, एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट वे टू ले आउट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम इन अ कंटेनर, ये एफिशिएंट क्या चीज़ होती है, कोई बता पाएगा? व्हाट डज इट मीन बाय एफिशिएंट, एफिशिएंसी का क्या मतलब है? ये चीज़ें, ये जो वर्ड्स है ना, ये डेफिनेशन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये वर्ड आपको, डेफिनेशन समझ आ जाएगी, कहानी बहुत सिंपल हो जाती है। कम टाइम में सही काम अगर हो जाए तो ये एफिशिएंसी है, मतलब ये एफिशिएंट वे है, तरीके और भी हैं लेकिन ये एफिशिएंट वे है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एफिशिएंट का क्या मतलब, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंट इन द फर्स्ट प्लेस? ये तो एफिशिएंट वे तो है भाई, देखो किसी एक होता है आसान तरीका, ठीक है, एक होता है फास्ट तरीका, बहुत सारे मतलब और भी हो सकते हैं ना, मतलब एफिशिएंसी इज़ अ क्वालिटी, तो क्या ये फास्ट की बात हो रही है या ये बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा इससे या बहुत लाइट वेट, मतलब क्या बात हो रही है ये? एफिशिएंट का मतलब पता होना चाहिए ना फिर, मतलब हमें पता चले ना कि क्या फास्ट की बात कर रहा है या क्या बात कर रहा है ये, एफर्ट कम लगे, आउटपुट की बात हो रही है, मतलब एफिशिएंट का मतलब है ये ज़्यादा आउटपुट देगा, ये बेस्ट आउटपुट। अच्छा, गूगल भी कर सकते हो, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, ये कोई इसमें सही गलत नहीं है, ये ओपिनियन है। सही है। अच्छा, एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी मशीन में आप जितना आउटपुट देते हैं, अगर उसके इक्वल आप जितना इनपुट आप देते हैं उसके इक्वल आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड 100% एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, 100% एफिशिएंसी आइडियल केस है, जो कि आपको पता है आइडियल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हम मिसाल के तौर पे आप लें गाड़ी के इंजन की, आप मिसाल लें, ठीक है, कि गाड़ी के इंजन में आप जितना पेट्रोल डालते हैं, जब वो बर्न होता है पेट्रोल, तो उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, बट उसमें से 50% या 40% एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है, बाकी 40 या 50% वो ज़ाया हो जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी झाड़ रहा है, देखो हर वर्ड का ना एक स्लैंग स्लैंग भी होता है, ये एफिशिएंसी झाड़ रहा है ये तो स्लैंग है ना, इसका तो मतलब क्या उसको बोलते हैं, ये इंटरनल, एक इंटरनल चीज़ है, आपको पता है इंटरनल जोक जो होता है क्या होता है, वो इंटरनल जोक ये होता है कि दो लोगों को आपस में ही पता है कि ये क्या चल रहा है। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त है, उन्होंने लतीफ़ा सुनाया, 2-3 बंदे बैठे हुए थे हम, तो उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया प्याला करके कुछ, तो हम ना बहुत हंसे उस पर,
तो अभी मैं लतीफ़ा नहीं सुनाऊंगा वरना लंबी हो जाएगी। हम बहुत हंसे उसके ऊपर। अबे नहीं छोड़ो भाई, बहरहाल तुम्हें हंसाने के लिए यही काफ़ी है ना कि जो बाद में हुआ। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, हम जब भी मिलते ना, जब दूर से गुजर रहा होता वो, तो हम ना बस ये ऐसे करते ही हूँ और ऐसे सामने से बहुत हंस के पागल हो जाता सही। अच्छा सराउंडिंग वाले लोगों को ये क्या पता चल रहा है, लेकिन हमारी पीछे एक स्टोरी कह रहा, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल जोक। तो इंटरनल जोक या कोई स्लैंग में ना बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं जिसका मतलब हमारे हमें पता होता है कि क्या मतलब है। तो वो एफिशिएंसी जाड़ रहा है वो अलग है, लेकिन साइंस में इसका ये मतलब है कि भाई एफिशिएंसी क्या है, जितना इनपुट आप दे रहे हैं अगर उसकी इक्वल आउटपुट मिल जाए तो 100% एफिशिएंसी है, पॉसिबल नहीं है वो। जैसे बहुत ही सिंपल मशीन पड़ा होगा, कैंची जो है, कैंची हम यूज़ करते हैं जो डेली, वो कैंची इज़ अ सिंपल मशीन। तो हम जितना इनपुट यहाँ से उस पर प्रेशर डालते हैं सामने से उतना आउटपुट निकालते हैं, वो कपड़े को काट देते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन क्या जितना हम इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है? नहीं, थोड़ा कम मिलता है उससे। अब कितना कम मिलता है वो साइंस की बात है, वो रेलेवेंट नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंट वे का मतलब ये है कि आपका कम एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, या सेंस ऑफ के कम सोचना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा, सही है। तो इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर जो अभी नए वाले गाड़ी के इंजन है, एफिशिएंट इंजन है, वो बोलते हैं कि भाई हमारी जो, जैसे पावर बैंक में आपने देखा होगा भाई कन्वर्जन रेशो 90% है। 90% का मतलब ही कि 10,000 mAh का अगर पावर बैंक है तो 90% का मतलब है कि 9,000 mAh तक आउटपुट देगा वो। वरना आज से कुछ अर्से पहले तक 50% होता था उसका भी आउटपुट, कि भाई 10,000 mAh का अगर फ़ोन है ना, वो पावर बैंक है, तो 5,000 mAh वाले फ़ोन को एक ही दफ़ा चार्ज करता है वो, 50% एफिशिएंसी। वो आधा मतलब बीच में कन्वर्जन में ज़ाया हो जाती है एनर्जी। तो अभी जो नए वाले आ रहे हैं लेकिन वो कॉस्टली हैं, वो कहते हैं भाई 90% तक एफिशिएंसी है। तो मतलब इसका मतलब ये कि अगर कोई 80% भी अगर दे रहा है एफिशिएंसी पावर बैंक आपको 10,000 mAh का, तो इसका मतलब है 4,000 mAh वाले फ़ोन को दो दफ़ा चार्ज कर देगा 100% तक, ठीक है, यानी 8,000 आउटपुट देगा वो। आप माइक्रोवेव पे भी आप देखेंगे लिखा होता है पीछे, अगर आप पलटे ना उसको, तो जो 20 लीटर वाला माइक्रोवेव होता है, रिसेंटली अभी देख आपको पता है गैस कहीं पर भी नहीं आ रहा है सही है। तो मैंने कहा यार माइक्रोवेव पकड़े, माइक्रोवेव वैसे तो रखते नहीं है, वो ओवन रखते हैं, लेकिन ओवन में हर चीज़ बनती नहीं है, बड़ा मसला है। चाय नहीं गर्म होती ओवन में यार, सब में बड़ा मसला है। तो माइक्रोवेव चाहिए होता है, वो मैं रिसेंटली देख रहा था, तो वो उसमें इनपुट 1050 वाट लिखा हुआ था, आउटपुट उसमें 800 वाट लिखा हुआ था, यानी जो अंदर वो हीट प्रोड्यूस करेगा 1000 वाट ले गया, वो 800 वाट जितनी करेगा, सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंट वे समझ आ गया आपको कि एफिशिएंट, अब कि एफिशिएंसी वाकई में आपको भी लगती है वो तो इस्तेमाल करके पता चलेगा। अच्छा तो लेआउट हमने समझ लिया, उसके अलावा अलाइन, अलाइन भी आप इससे करेंगे, वो टेक्स्ट अलाइन वाला वो, सो सिर्फ शुरू में जब हम टेक्स्ट अलाइन पढ़ रहे थे मैंने आपको ये बताया था, ये सिर्फ टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए है, और वो भी जब होगा जब कंटेनर बड़ा हो, अंदर टेक्स्ट कम हो, जब टेक्स्ट अलाइन काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो टेक्स्ट अलाइन से आपने कभी भी, कितने बजे छोड़ो, तो बस ये डेफिनेशन करके हम आज निकलते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट आके इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा अलाइन आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखे ना अमंग द आइटम इज इन अ कंटेनर, तो किसी भी कंटेनर के अंदर 3 आइटम 4 आइटम पड़े हुए हैं, आपने उन तीनों चारों आइटम को अलाइन करना है, लेफ्ट राइट या सेंटर, तो वो आप इसके ज़रिए करेंगे। अच्छा इसके ज़रिए भी हम करके देखेंगे, बुक में भी उसने सेंटर करना बताया हुआ है, वो तरीका बहुत ही अजीब है यार वो, मतलब मेरे कभी भी समझ नहीं आया वो। मैंने जब होश संभाला है तो मैंने फ्लैक्स बॉक्स देखा डायरेक्ट, ठीक है, तो इससे पहले वाले आइटम मेरी समझ नहीं आते, तो भाई फ्लैक्स बॉक्स ही है। अच्छा अभी फ्लैक्स बॉक्स के बाद एक और चीज़ आ गई है ग्रिड, ठीक है, ग्रिड बिल्कुल नया है लेकिन मैंने अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया, और कुछ लोग हैं जो रेकमेंड करते हैं यार आप ग्रिड पर मूव कर जाए, लेकिन ग्रिड मुझे इसके मुकाबले में मुश्किल लगती है, ठीक है, और उससे कोड थोड़ा सा कचरा भी हो जाता है समटाइम, मुझे ऐसा फील होता है। तो अलाइन आइटम और डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, अब मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस का क्या मतलब हुआ, ठीक है, मैंने कहा कि यार आप ना जो 3 आइटम है वो इसको आपस में बांट लो बराबर बराबर, एक तो अलाइन हुआ ना, अलाइन सेंटर हो गया, मैंने कहा फिर बराबर बराबर बांट लो, ये काम भी मैं इससे कर सकता हूँ। अच्छा इवन व्हेन देयर साइजेस आर अननोन, अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बॉक्स है 500 पिक्सल का, तो मुझे तो पता है ना 500 पिक्सल का बॉक्स है, अब अंदर मैंने 3 आइटम अगर रखने हैं 100 पिक्सल के, ठीक है, या 50 पिक्सल के, तो मुझे तो पता है कि कितना मार्जिन कितना पैडिंग दूंगा तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये कह रहा है कि जब उसका साइज़ पता ही ना हो आपको, डायनेमिक हो,
ठीक है, कभी वो बॉक्स छोटा हो जाए कभी वो बड़ा हो जाए रैंडमली डायनेमिकली, तो भी आप क्या कर सकते हैं इस इवनली डिस्ट्रीब्यूट मार सकते हैं जो उसके अंदर के आइटम है ना, आप बोलेंगे यार आप बराबर बराबर स्पेस ले लो, जो भी अवेलेबल है वो बराबर बराबर ले लो, तो ये काम इससे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से वर्ड आपका फ्लेक्स निकला है। द आइडिया बिहाइंड द फ्लेक्स लेआउट इज टू गिव द कंटेनर द एबिलिटी टू अल्टर इट्स आइटम। यहाँ पे इसने जो बात बताई है वो बहुत ज़रूरी बात है, उसको क्या समझने के लिए, फ्लेक्स बॉक्स के जो वेरी आइडिया ऑफ फ्लेक्स बॉक्स है ना उसको समझने के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ये जो पहली लाइन लिखी है ठीक है। द मेन आइडिया बिहाइंड द फ्लेक्स लेआउट इज टू गिव कंटेनर, एक कंटेनर होगा, आप बोलेंगे कि बच्चा आप हो फ्लेक्स कंटेनर या फ्लेक्स बॉक्स हो आप, उस कंटेनर को आपने क्या बना दिया फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, जैसे ही आप उसको फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस कंटेनर को एबिलिटी दे देंगे हम टू अल्टर इट्स आइटम, जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है जो कंटेनर है उसको आपने बोला बच्चा आप फ्लेक्स बॉक्स हो, तो अब उसके पास क्या एबिलिटी आ जाएगी कि उसके डायरेक्ट चाइल्ड जो है, चाइल्ड के चाइल्ड नहीं डायरेक्ट चाइल्ड सिर्फ, उसको वो अल्टर कर सकता है। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी अल्टर कर सकता है वो यहाँ लिखा हुआ है, विर्थ हाइट कंट्रोल में आ जाएगा उसके, ठीक है, एंड ऑर्डर भी, ऑर्डर का मतलब है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, वैसे तो ये होता है ना जो हमने पहले लिखा एलिमेंट वो पहले आता है, जो बाद में लिखा है वो बाद में आता है, ऐसा तो नहीं ना उल्टा हो जाए कि जो बाद में लिखा है वो पहले आ जाए, ये भी कर सकता है ये, सही है। वो कैसे होता है उसका क्या फ़ायदा वो अभी दिखेगा हमें कोडिंग जब पहुँचेंगे हम, तो ठीक है। तो इट्स विर्थ हाइट को अल्टर करेगा टू बेस्ट फिट द अवेलेबल स्पेस, जाहिर है क्योंकि बराबर में आपस में बांटना है तो विर्थ हाइट को भी चेंज कर सकता है वो। अच्छा, मोस्टली टू अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ डिस्प्ले साइजेस, अब ये जो बार बार बता रहे हैं ना कि यार डिफरेंट साइज ऑफ, मतलब कोई भी बॉक्स बड़ा या छोटा कब होगा, जब उसकी स्क्रीन का साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। विर्थ पहले थी 1000 पिक्सल क्योंकि डेस्कटॉप पे खुला हुआ था, अब हो गई 400 पिक्सल क्योंकि मोबाइल पे खुला हुआ है, तो वो बॉक्स ही छोटा हो गया, तो अंदर के आइटम ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे टू एक सर्टन क्राइटेरिया, ऑन अ सर्टन क्राइटेरिया जो हम डिफाइन करेंगे कि यार ऐसे करना है आपने। अ फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड आइटम्स टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस और श्रिंक टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, कह रहे हैं कि एक फ्लेक्स कंटेनर जो है ना अपने डायरेक्ट चाइल्ड के साथ क्या करेगा, उसके डायरेक्ट चाइल्ड के जो एक्सपेंड करेगा उसको अवेलेबल स्पेस को बेस्ट फिल करने के लिए, या श्रिंक करेगा सम टाइम कि ओवरफ्लो ना हो जाए, तो ये दोनों काम करेगा। अच्छा, मार्जिन नहीं बढ़ाएगा, अब वो कुछ करेगा अभी, अभी वो आगे और भी कहानी है। तो ये हमने ना थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देखा है जिससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि फ्लेक्स बॉक्स, व्हाट इज़ द वेरी आइडिया ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, ये करता क्या है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप सब लोगों ने नमाज़ पढ़ के जाना है, सही है। चलो नेक्स्ट क्लास में आके फिर हम इसकी डेफिनेशन पूरी करेंगे, ये आर्टिकल है पूरा, ये आर्टिकल कैसे आता है आप गूगल पे लिखेंगे जाके फ्लेक्स बॉक्स, और साथ में ये CSS ट्रिक्स लिखेंगे आप, तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें ये आर्टिकल पहले से पढ़ के आना, तो ये आप, मैंने बता दिया आपको कैसे मिलता है ये, ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।